हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है RAPA ऑनलाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लास में। आज हम इस क्लास में कुछ ब्लेंडिंग टेक्निक सीखेंगे, जो हम अपने कलर जो भी यूज करते हैं उसके अंदर ब्लेंडिंग किस तरह से किया जाए, क्या टेक्निक्स है और क्या टूल्स यूज कर सकते हैं इस ब्लेंडिंग को करने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और कई सारे कलर एक साथ ब्लेंड करना हो तो क्या करना चाहिए, और एक ही कलर को कई सारे टोन में अगर हमें अप्लाई करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से कुछ टॉपिक है आज के इस क्लास के लिए। जो आपने पिछले क्लासेस में ब्लेंडिंग में मुश्किल फेस किया है उसके लिए आज का ये क्लास है, और उम्मीद करूँगा कि आज के इस क्लास के बाद और थोड़े से आपके प्रैक्टिस के बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कम से कम कलर में किस तरह से हम शेडिंग लेंगे, किस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ब्लेंडिंग के लिए सबसे पहले आप तो आसान तरीके से अगर ब्लेंड करना चाहें तो उसका सबसे अच्छा फार्मूला यह है कि आप फैमिली कलर्स, जो भी कलर आप यूज करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, उस टोन से मैच करता हुआ कलर जो टोन होता है उसे अगर आप उसके साथ साथ यूज कर देंगे तो आपका ब्लेंडिंग का काम हो जाता है। लेकिन कई बार आपको बहुत ही अपोजिट कलर लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको ब्लेंडिंग खुद से करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप रेड के साथ ब्लू कलर लेते हैं तो ये बिल्कुल ही अलग डिफरेंट कलर हो जाता है, दो कलर बिल्कुल ही अलग अलग शेड के कलर हैं, इसका कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, इस कलर के साथ कोई आपस में तालमेल नहीं है, इसलिए इसको ब्लेंड करने के लिए आपको ब्लेंडिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप फैमिली कलर लेना चाहें तो यानी कि अगर आप इसके साथ इस कलर के साथ इसके फैमिली कलर यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, ये जितने भी येलो होते हैं सभी, इसके कलर के बीच में फैमिली कलर पिंक भी आ जाएगा, पेस्टल कलर भी आ जाएगा, ये सब जो कलर एक दूसरे के कलर से मिक्स होकर बने हो वो है फैमिली कलर, और इसको ब्लेंड करने के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस फैमिली कलर के साथ मिक्सिंग करके देख लेते हैं कि कैसे इसको मिक्स किया जाएगा कलर। तो सबसे पहले हम रेड कलर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई भी ड्राइंग नहीं करेंगे, सिर्फ कलर ब्लेंडिंग सीखेंगे, इसके लिए कोई ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप अपनी प्रैक्टिस करिए। इसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कलर करते हैं तो इस तरह से नॉर्मली आप कलर करते हैं सॉफ्टली बिल्कुल, और जिसका असर ये होता है कि आप इसे देखेंगे अगर इसमें वाइट पार्ट बहुत ज़्यादा रह रहा है, जो पेपर है अपना पेपर के वाइट पार्ट बहुत ब्लैंक रह रहा है, इस तरह से करने से आप ब्लेंडिंग भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप जो भी कलर कर रहे हैं आपके पेपर को पूरा फील होना ज़रूरी है, इसके लिए आपको अपने कलर के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लेना है जिससे कलर अच्छे से निकले और पूरी तरह से कवर करें। अब आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, यहाँ पे जो कलर है वो कितना ग्रेसफुल है और यहाँ पे कितना लाइट है और कितना गैप है बीच में। यहाँ पे टेक्सचर इफेक्ट तो आया है, लेकिन जब हमें टेक्सचर चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, जब हमें स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए, स्मूथ कलर चाहिए तो ऐसा करना ज़रूरी होगा। तो पहले आपको इस तरह से कलर भरना चाहिए तभी आप ब्लेंडिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम रेड कलर का फैमिली कलर के साथ ब्लेंडिंग करके देखने वाले हैं। इस तरह से जितना भी स्पेस लेना है रेड कलर से आप रेड कलर लेंगे, और इसके बाद का जो कलर है या तो आप डार्क की तरफ जाएं या लाइट की तरफ जाएं। तो लाइट की तरफ जाना है तो इधर हम लाइट कलर यूज करना शुरू करेंगे, और अगर डार्क कलर जाना है तो डार्क कलर शुरू करेंगे। तो हम जा रहे हैं अभी इस तरफ से लाइट की ओर, तो रेड के बाद ऑरेंज कलर, उससे थोड़ा लाइट होता है तो ऑरेंज कलर यहाँ से शुरू करेंगे। प्रेशर
एक जैसे रखेंगे, जिससे जितना कलर यहाँ पे लेबल है उतना ही लेबल आगे आए। ब्लेंडिंग के लिए एक और बहुत बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो आपके कलर है वो बहुत पुराना ना हो। अगर आपका कलर ड्राई हो चुका होगा तो आप ब्लेंडिंग नहीं कर सकेंगे। तो जो भी कलर आपके पास है उसका डेट देखिए, अगर बहुत पुराना है तो आप उसे मत यूज कीजिए। बहुत पुराना है या कैसे है, अगर डेट नहीं मिल रहा है तो पता चल जाएगा आपको। आप जब यूज करते हैं तो उसके अंदर डस्ट ज़्यादा निकलेगा और छोटे छोटे टुकड़े बहुत निकलेंगे, कलर अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, तो वो कलर यानी कि ख़राब हो चुका है। आप इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर नेल से प्रेस करके देखेंगे। अगर अच्छे से प्रेस होता है, इस पर लाइन्स बन जाते हैं तो ठीक है। ये सॉफ्ट रहना चाहिए, सॉफ्ट रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपका कलर अभी काम करेगा। तो चलिए अभी इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे आगे येलो। प्रेशर ज़्यादा, और जब हम यहाँ से दूसरे कलर के साथ मिक्स करते हैं तो थोड़े से पार्ट जो पहले किए हुए कलर है उसके ऊपर से शुरू करना चाहिए। जब ओवरलैप करेंगे तो ये येलो कलर और ऑरेंज कलर के बीच में जो कलर ज्वाइंट हो रहा है उसके ऊपर एक दूसरे पे ऐसे कलर को अप्लाई करेंगे। अब इससे आगे इससे लाइट कलर लेंगे और हम शुरू करेंगे फिर से ऐसे ब्लेंड करते हुए। प्रेशर ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेशर जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छे से ब्लेंडिंग होगा। इस तरह से इससे आगे ये पिंक कलर ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही फैमिली कलर्स है तो हमारे ब्लेंडिंग के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये करीब करीब ब्लेंडिंग है, लेकिन अभी भी यहाँ पे रेड ऑरेंज और ये लोकर येलो पिंक ये पता चलता है। इसको और स्मूथ करने के लिए इसके ऊपर आप फिंगर के हेल्प से मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आदत नहीं लगानी है क्योंकि आपके पेंटिंग में आपके कलरिंग में स्पेस अगर इतना नहीं है तो आप फिंगर यूज कैसे करेंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप अपने कलर से ही डायरेक्ट मिक्सिंग करें। तो चलिए इसको अब दूसरे तरीके से देखते हैं, किसी दूसरे अपोजिट कलर से। जैसे रेड के साथ येलो ऐड करना है, रेड के साथ ब्लू ऐड करना है तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अभी रेड कलर, बीच में वाइट का गैप जरा भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल वाइट फील होना चाहिए जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। और ये नहीं करना है, ऐसा करना है आपको। अब आपको लेना है अगर ब्लू कलर तो इसके पास ब्लू शुरू करिए बिल्कुल पास से। अभी इसके ऊपर ओवरलैप मत कीजिए, इसके पास ब्लू ऐसे कर दीजिए। अब आप वापस फिर से रेड कलर लीजिए, जो ये बीच का कलर है रेड को लेके, और जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है दोनों कलर उसके ऊपर फिर से लगाइए। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ही अच्छे से ब्लेंडिंग होगा। तो ये देखेंगे आप, ये ब्लेंडिंग हो चुका। अभी आपको इस तरफ से और डार्क करते जाना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ले रहे हैं ब्राउन कलर बर्नट अम्बर इस तरफ, तो बर्नट अम्बर हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं एक बार। ऐसे अब हम फिर से रेड कलर लेंगे और रेड कलर को इसके ऊपर चलाएंगे जहाँ पे ये कलर दोनों आपस में मिल रहे हैं।
इस तरह से ये ब्लेंड होगा। और भी बहुत सारे तरीका है टूल्स के माध्यम से ब्लेंडिंग करना, तो टूल्स की आदत मत लगाइए, टूल्स के हैबिट में नहीं रहना है आपको, आपको फ्री हैंड ब्लेंडिंग करने आना चाहिए। जब भी आप ब्लेंडिंग करें तो ध्यान रखिए आपके कलर में कोई दूसरे कलर ना लगे हो, नहीं तो कलर आपका ख़राब होगा। तो ये कलर का पॉइंट हमेशा साफ रखा कीजिए। तो इस तरफ से अगर आपको डायरेक्ट कोई और अपोजिट कलर लेना है, मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं अब ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज शुरू करेंगे ऐसे, यहाँ पर। अब हम इसे ब्लू से मर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर डार्क है और डार्क कलर को ही लाइट कलर के साथ मर्ज करना है ऐसे। तो इसके ऊपर तक ओवरलैप करेंगे, इसके बाद फिर से ऑरेंज कलर से इसे मर्ज करेंगे। अब अगर लगे तो ब्लू कलर के ऊपर दोबारा कलर करेंगे, जिससे और ज़्यादा फिनिश हो जाएगा ऐसे। तो चलिए, अब इन सब चीज़ों के अलावा हम कुछ शेप के ऊपर में ट्राई करते हैं कि शेप के ऊपर किस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे अभी एक सिंपल सा एक बॉल, एक सर्कल जिसके ऊपर शेडिंग करके देखेंगे। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसको एक बॉल की तरह, यानी कि कोई भी एक सर्कल शेप है जिसको हम ड्रॉ करेंगे। और इसके ऊपर कलर करके ब्लेंडिंग करके देखेंगे। तो चलिए, कोई भी कलर ले सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ब्लू कलर का बॉल है, तो ब्लू के जो भी शेड हम इसके ऊपर यूज करना चाहते हैं, मेनली तीन शेड से काम किया जाता है, एक मीडियम टोन, एक डार्क टोन, एक लाइट टोन। तो हम यहाँ पे तीन शेड लेंगे, ये तीन शेड, एक और इससे ज़्यादा डार्क टोन की ज़रूरत पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा डार्क है वो हम एक और ये ले सकते हैं। तो इन्हीं तीन चार कलर से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो लाइट टोन है, आप लाइट के डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा, इस तरफ से लाइट अगर आपके बॉल के ऊपर पड़ रहा है तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा लाइट होगा। और यहाँ पर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके शेप का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, कि आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं ड्राइंग में उसका शेप क्या होता है, तो उस शेप के अकॉर्डिंग ही आपको अपने कलर्स को यूज करने हैं। तो जैसा कि बॉल का शेप ये होता है, इस तरह से एक राउंड शेप, तो आपको जो कलर्स यूज करना है उसी के डायरेक्शन में यूज करना है। तो चलिए, यहाँ पर लाइटर टोन के लिए, सबसे लाइटर टोन के लिए लाइट ब्लू यूज करते हैं। पूरी तरह से अच्छे से फील करेंगे कलर को, ज़रा भी वाइट पार्ट नहीं छोड़ेंगे। इससे ज़्यादा डार्क जो होता है, थोड़ा डार्क जिससे है वो लेंगे अब।
इससे ज़्यादा डार्क अब लेंगे। देखिए ये कलर हमारा सूख गया है, इसलिए ये अच्छे से यूज नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ये सब चीज़ चेक करना है। ये अगर सूखा हुआ है तो इसको यूज नहीं करेंगे। ये कलर ठीक है, अब इससे ज़्यादा डार्क वाला जो कलर है वो डार्क कलर लेंगे नीचे। अब इसे मर्जिंग करना शुरू करना है, तो सबसे पहले वापस उसी कलर से शुरू करेंगे जिससे हमने स्टार्ट किया था, और उसको जहाँ पे वो कलर दूसरे कलर के साथ ज्वाइंट हो रहा है वहाँ पे इस तरह से मर्जिंग करना शुरू करेंगे स्क्रम्बल करते हुए। ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस के ऊपर हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप इसे कर सकेंगे। अब हम इसके और नीचे शेडिंग देने के लिए, 3D लाने के लिए इसके ऊपर ब्लैक यूज करेंगे, ज़रा नीचे की तरफ से। अब जो इसके पास वाला कलर है उससे इसको मर्ज करेंगे, जो कलर हमने यहाँ पे यूज किया उसी से इसको भी मर्ज करेंगे। वापस फिर से लाइट कलर ब्लू वाला लेंगे और इसको और स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे। कई सारे लेयर्स में काम करने पड़ते हैं तब जा कर के एक ब्लेंडिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत तो पड़ेगा, पर मुश्किल नहीं है, आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए आप इसके ऊपर वाइट कलर लेंगे। व्हाइट कलर के साथ आप ध्यान रखिएगा व्हाइट कलर के पॉइंट में कोई और दूसरे कलर ना लगे हो, क्योंकि जो आपने पहले कभी यूज किया होगा उसके कलर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट कलर से इस जगह पर और ज़्यादा ब्राइट करेंगे जिससे ये 3D आएगा। और इसे फिर से ब्लू कलर से मर्ज कीजिए साइड में। तो ये देख सकते हैं आप एक बॉल के शेप में किस तरह से ब्लेंडिंग किया गया। इसी तरीके से आप कोई और दूसरे कलर्स यूज कर सकते हैं जिससे आप इस तरह का शेप बना सकेंगे। अब इसको और ज़्यादा 3D लाने के लिए यहाँ पे शेडो दिखाएंगे जिससे इसमें और रियलिस्टिक फील होगा। शेडो के लिए ग्रे कलर यूज करिए।
तो चलिए और देखते हैं कुछ एक दूसरे शेप्स के ऊपर किस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक हम स्क्वायर शेप ड्रॉ करेंगे ऐसा, और इसके अंदर में सेंटर में लाइट और बाहर जाता हुआ डार्क कलर भरेंगे। तो कोई भी कलर हो सकता है, हम यहाँ पे शुरू करेंगे रेड ऑरेंज येलो का कलर। तो सबसे पहले लाइटर टोन शुरू करना है सेंटर से येलो कलर, क्योंकि हम यहाँ पे अगर ये समझ लें कि हम यहाँ सन लाइट दिखाने की कोशिश करेंगे तो कैसा होता है, जहाँ पे सन होता है वहाँ ब्राइट और जो बाहर जाते हुए कलर्स होते हैं वहाँ पे रेडिश कलर, ऑरेंज कलर, ये सब टोन होता जाता है। तो हम ये चीज़ समझ के चलते हैं कि यहाँ से बाहर सनलाइट फैल रहा हो जैसा। जितना भी एरिया आपको जो कलर्स का देना है उतने में आप वही कलर लगाइए, और अच्छे से पूरी तरह से मिक्स होना चाहिए, थोड़ा भी वाइट पार्ट दिखना नहीं चाहिए। अब इसे तुरंत अगर मर्ज करना है तो आप येलो कलर लेंगे और येलो कलर के साथ इसको इस तरह से मर्ज करेंगे, जहाँ पे दोनों कलर आपस में मिल रहे हैं वहाँ पर इस कलर से ब्लेंड करना शुरू करेंगे। कलर को क्लीन कर लिया कीजिए, नहीं तो बाकी जगह पे जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे भी कलर चला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इसके आगे लेते हैं डार्क ऑरेंज, जो कि इतना पार्ट लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आपके हाथ में वो समझ पता चलेगा कहाँ पे कितना आपको प्रेशर लेना है, कहाँ पे कितना आपको लाइट प्रेशर देना है, वो सारी चीज़ें आपको खुद से पता चलेगा जब आप अपने हाथ से कलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने डार्क ऑरेंज यूज किया, तो अब हम लाइट ऑरेंज से इसको मर्ज करेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे और हम लेंगे आगे रेड कलर, स्कारलेट रेड लेंगे। और ये ऑरेंज के बगैर ही मर्ज हो चुका है, ये अच्छी बात है। अब हम लेंगे क्रिम्सन, अब इसके बाहर आप इससे डार्क कलर यूज करेंगे और इसके कॉर्नर तक कलर करेंगे। उसके लिए लेता हूँ मैं ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन।
अब यहाँ पर रेड कलर से जो हमने अभी अभी यहाँ पर रेड कलर यूज किया उससे इसको मर्ज करेंगे। मर्जिंग के लिए सिंपल हर बार की तरह एक ही फार्मूला है, आप ज़्यादा प्रेस करके कलर को ओवरलैप करेंगे तभी वो मर्जिंग होगा। कलर न्यू होना चाहिए, कलर आपका ज़्यादा पुराना ना हो और कलर में ड्राइनेस आए तो आप उसे यूज नहीं करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चार चीज़ें जो मैंने आपको बताया इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसे ब्लेंड कर पाएंगे। तो चलिए अभी कुछ और देखते हैं। तो चलिए कुछ और डिफरेंट टाइप के कलर्स को यूज करते हुए एक और शेप हम ड्रॉ करके देखते हैं और कलर करके देखते हैं किस तरह से उसके ऊपर कलर करेंगे और ब्लेंडिंग करेंगे। तो सिंपली एक रॉक्स जो कि हम आमतौर पे अपने पेंटिंग्स में बनाते हैं और यूज करते हैं अपने ड्राइंग में, तो एक रॉक्स को देखिए जो कि हम ब्राउन कलर को यूज करते हुए बनाएंगे। यहाँ पर ब्राउन टोन हम लेंगे, बर्नट सियाना, बर्नट अम्बर, ब्लैक, येलो ओकर, जो इसके फैमिली कलर्स हैं वो सारे। तो ये सब कलर्स यूज कराया जाएगा इसके अंदर, बर्नट सियाना, बर्नट अम्बर, येलो ओकर, ये सब चीज कलर है जिसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें डार्कर टोन यूज करना है, आप चाहे तो लाइट कलर से भी कर सकते हैं लेकिन डार्क कलर से करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये डार्कर टोन नीचे रखेंगे क्योंकि अगर उधर से ऊपर से लाइट आता हुआ हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो डार्कर टोन नीचे करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा डार्क जो पार्ट है वो हमारा नीचे रहेगा। और इसके लिए लेंगे ब्लैक कलर, थोड़े से पार्ट में आपको ब्लैक कलर यूज करना है। जैसा पहले मैंने आपको बताया पूरी तरह से कलर फील करना है, जहाँ तक भी आपको कलर यूज करने की ज़रूरत है कोई भी इसमें वाइट का गैप नहीं होना चाहिए। अब इससे लाइट अगर जाएंगे तो हमें बर्नट अम्बर यूज करना होगा। बर्नट अम्बर पहले इसके पास जितना एरिया में आपको लेना है उसको आप डिसाइड कीजिए और उस जगह पे आप बर्नट अम्बर पहले अप्लाई कर दीजिए और बाद में इसको ब्लेंड करेंगे। रॉक्स पे अनइवन सा लाइनिंग होना चाहिए, एक लाइन नहीं बने इसके लिए, क्योंकि रॉक्स का शेप जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट शेप नहीं होता, एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता जैसे राउंड या कोई और शेप। तो अभी जो हमने कलर यूज किया बर्नट अम्बर और ब्लैक, जो बीच में जो जॉइंट है दोनों कलर के बीच का, वहाँ पर बर्नट अम्बर कलर से इसको ब्लेंड करिए। इस तरह से और इसके ऊपर और बढ़ेंगे आगे तो हम लेंगे बर्नट सियाना, यहाँ पर स्कम्बल यूज कर सकते हैं इस तरह से कलर्स को स्कम्बलिंग करते हुए, क्योंकि रॉक्स के ऊपर जो टेक्सचर होता है उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट इसके ऊपर दिखेगा अगर आप इस तरह से स्कम्बल करते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लाइट करते जाएंगे, इसको लाइट करने के लिए लाइट कलर लेना है ना कि प्रेशर को कम ज़्यादा करना है। ऑयल पेस्टल में प्रेशर कम ज़्यादा करने से कलर तो गाढ़ा मिलेगा लेकिन लाइट नहीं मिलेगा। ऐसा पेंसिल कलर में होता है, जब हम कलर प्रेशर कम या ज़्यादा करते हैं अपने कलर के ऊपर तो उसमें कलर के टोन डिफरेंट मिलने लग जाते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं ले रहा हूँ येलो ओकर, बाकी का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसके ऊपर येलो ओकर अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका शेप हमारा रेडी हो चुका है एक रॉक्स का,
इसके ऊपर आप और भी ज़्यादा डिटेलिंग देने के लिए जहाँ पे आपको टेक्सचर ज़्यादा दिखाना है वहाँ दिखा सकते हैं। इसको आउटलाइन कर देंगे। तो आइए अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि कोई भी कलर जब हम यूज करते हैं, मान लीजिए हम अभी ग्रीन कलर ले रहे हैं, ग्रीन कलर का हमने कलर शेडिंग करना शुरू करना है। जैसा कि यहाँ से ग्रीन कलर आगे बढ़ते हुए आगे चलकर कोई भी दूसरा कलर इसके साथ मर्ज करना है, तो जो हमारा ये प्रेशर है वो यहाँ से एकदम से सडनली ख़त्म मत कीजिए। ये धीरे 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 सॉफ्ट कीजिए, हल्का प्रेशर लेना शुरू कीजिए, और जहाँ तक आपको ये ग्रीन कलर का पार्ट है वहाँ तक करने के बाद दूसरा कलर जब शुरू करना है तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा ग्रीन हो जाए, बीच में वाइट का जो गैप है वो रहेगा, क्योंकि दूसरे साइड का जो कलर शुरू होने वाला है वो इसके ऊपर आकर ओवरलैप हो जाए ताकि ये दोनों के बीच का कलर बनाए। तो आगे अगर हमें येलो कलर लेना है तो जैसा कि हमने यहाँ से डार्क शेडिंग करते हुए यहाँ आकर के प्रेशर कम किया और इसको आगे दूसरे कलर शुरू करना है तो हम यहाँ थोड़ा गैप दे करके शुरू करेंगे अगर येलो कलर हम ले रहे हैं तो। और जैसा इधर हमने लाइट किया प्रेशर कम करते हुए, तो ये येलो कलर को भी हम इस तरफ प्रेशर कम करते हुए लेके जाएंगे और यहाँ आकर के इसके साथ ओवरलैप करना शुरू करेंगे ऐसे। तब ये धीरे 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 आगे जा करके मर्ज होता हुआ दिखेगा, एकदम से तुरंत कलर को मर्ज होता हुआ नहीं दिखाएगा। इस तरह से जैसे ये डार्क और इधर लाइट और इधर जा करके बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर हुआ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी दो कलर आपस में मर्ज करें तो उसके बीच में जो ये बीच में जो जॉइंट वाला पार्ट है वहाँ पे कलर को बिल्कुल लाइट रखिए पहले ही, ताकि साइड वाला जो दूसरा कलर आने वाला है उस कलर के साथ वो मर्ज हो जाए। इसको हम दूसरे कलर के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर लिया, डार्कर टोन से शुरू करते हुए बिल्कुल प्रेस ज़्यादा करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर प्रेशर कम करना शुरू करेंगे, बीच में वाइट रहेगा जहाँ पे हमें प्रेस करना है, जहाँ पे हमें दूसरे कलर के साथ मर्जिंग करना है वहाँ पे वाइट रखेंगे बीच बीच में छोड़ के। अब इसके साथ आपको मान लीजिए ब्लू कलर मर्ज करना है तो यहाँ से इस तरह से शुरू करेंगे और जितना प्रेशर यहाँ है उतना प्रेशर इधर देंगे, क्योंकि जो कलर्स आपको चाहिए वो इधर ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ से इस पर प्रेशर कम करते हुए और जहाँ तक हमने लाइट कलर रखा है उसमें ऐसे यूज करेंगे। और एक बार फिर से ऑरेंज कलर को इसके ऊपर अप्लाई करके मर्ज कर देंगे। इस तरह से कोई भी कलर किसी भी कलर के साथ कोई भी कलर मर्ज हो जाएगा आराम से। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए और जिससे आप अपने ब्लेंडिंग सुधार सकते हैं। तो इसी प्रकार आप बाकी भी प्रैक्टिस करिए। जैसा एक मैंने यहाँ पे और कलर लिया, ये मैंने पर्पल कलर से शुरू किया, ये आगे धीरे धीरे लाइट करते जाना है। इसके साथ वाइट कैसे मर्ज करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कम करना शुरू किया बहुत ही लाइट करते हुए, प्रेशर कम करते हुए बहुत दूर तक ऐसे, और इसके ऊपर आप वाइट अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल ही मर्ज हो जाएगा। वाइट इधर से शुरू कर दीजिए, अब यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ाते जाइए और जहाँ से आपने इधर प्रेशर कम किया था वहाँ तक लेके जाइए। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल धीरे धीरे आगे जा करके वाइट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
पर्पल कलर या आगे चल करके वाइट हो रहा है। यही चीज़ यहाँ पे अगर आपको इसके साथ वाइट ऐड करना था तो आप वाइट ऐसे ऐड करना शुरू करेंगे। अब ये आगे जा करके बिल्कुल लाइट टोन बना लेगा। यहाँ पे भी सेम वाइट कलर। अभी यहाँ पे आप एक फ़र्क देख रहे हैं कि यहाँ पर यह सडनली कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर यह सडनली कलर चेंज हुआ, जबकि यहाँ पे धीरे धीरे जा करके कलर चेंज हुआ है। यहाँ इसलिए हुआ कि हमने जो ब्लू कलर था वो यहाँ पे रोक के रखा था, उसको धीरे धीरे आगे की तरफ स्प्रेड नहीं किया था। तो यहाँ से अगर हम इसे हल्का सा प्रेशर कम करते हुए आगे बढ़ते हैं इस तरह से, बिल्कुल हल्के हल्के से प्रेशर को कम करते हुए यहाँ तक जाएंगे और आगे वाइट को इसके साथ मर्ज करेंगे। इस तरह से तो आप इसमें देख सकते हैं फ़र्क, जैसा ये है वैसा ये हो गया। तो ये ज़रूरी ये है कि आपको जहाँ तक जो कलर यूज करना है उसके बाद दूसरे कलर में मिक्स होने से पहले आपको उस कलर को जो पहले आप यूज कर रहे थे उसे धीरे धीरे प्रेशर को कम करते हुए दूसरे कलर तक पहुंचाना है। तो ये कुछ प्रैक्टिस है जो आपको करना चाहिए और इस प्रैक्टिस से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अपने सब्जेक्ट पे जाते हैं, जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर, जो आपको इन सब चीज़ों को यूज करते हुए उसमें भी आपके हेल्प आएंगे, बहुत हेल्प मिलने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने सब्जेक्ट के ऊपर यही सारे टेक्निक्स अप्लाई करके सेटिंग कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।